ट्रेन में सफर कर रहे इस व्यक्ति का टिकट देख टीटी के उड़े होश, सच्चाई देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। अब आपको ट्रेन में सफर करने के लिए 1000 साल बाद का टिकट मिल सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि रेलवे खुद कह रहा है। चौंकी मत, क्योंकि रेलवे की ये जो टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसे देखने के बाद आप पूरा मामला समझ जाएंगे। बात 2013 की है। सहारनपुर के विष्णुकांत शुक्ल को अपने दोस्त की पत्नी के देहांत हो जाने की वजह से अर्जेंट जौनपुर जाना पड़ रहा था। उन्होंने काउंटर से टिकट लिया और ट्रेन में बैठकर चल दिए। क्या पता था कि रास्ते में कुछ ऐसा हो जाएगा जो उन्हें ही नहीं बल्कि टीटी के दिमाग को भी सन्न कर देगा। हुआ ये कि जब विष्णुकांत शुक्ल का टिकट टीटी ने देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। दरअसल टिकट में यात्रा की तारीख 19/11/30/13 लिखी हुई थी। ऐसा होना साफ तौर पर टाइपिंग की गलती समझी जा सकती है, लेकिन टीटी ने जो किया उसे गलती तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक टीटी ने विष्णुकांत शर्मा को फेक टिकट रखकर सफर करने का आरोप लगाते हुए रास्ते में ही उतार दिया। इसके बाद पीड़ित ने मामले को उत्तर रेलवे GM DRM अम्बाला और स्टेशन अधीक्षक को पार्टी बनाते हुए उपभोक्ता फोरम में रेलवे को चुनौती दे डाली। 5 साल के संघर्ष के बाद उपभोक्ता फोरम ने रेलवे के टिकट का फैसला सुनाते हुए यात्री को ब्याज सहित टिकट का पैसे लौटाने का आदेश दिया। रेलवे को 10,000 बतौर मानसिक क्षति और 3,000 वाद व्यय देने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 70 साल के किसी बुजुर्ग आदमी को बीच रास्ते में उतार देना बहुत दुखद बात है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, कमेंट करके जरूर बताएं।